आप सभी का स्वागत है टीच एक्स्ट्रा डोज यूट्यूब चैनल में। मैं इस वीडियो में पीसार्ट ऐप में कैसे कस्टम फॉन्ट इंस्टॉल करते हैं, मराठी हिंदी फॉन्ट कैसे इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करके कैसे इंस्टॉल करना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरे सभी वीडियो मोबाइल में कीबोर्ड की सेटिंग करेंगे, जिसे हम लैंग्वेज सेटिंग करेंगे, जो हमें टाइप करने में सहायता होगी। कीबोर्ड का स्पेस बार दबाने से यह सेटिंग आ जाएगी, इसमें लैंग्वेज सेटिंग कर लें। पीसार्ट में कस्टम फॉन्ट्स अलग अलग स्टाइल के नहीं है, सिस्टम फॉन्ट में 2-3 है, ज़्यादा वैरायटी नहीं है, जो हमें अलग अलग स्टाइल में अपना डिजाइन तैयार करने के लिए फॉन्ट नहीं है ज़्यादा। तुम देख सकते हैं 1-2 है, इसमें ज़्यादा नहीं है, तो हम अपना कस्टम फॉन्ट डाउनलोड करके इसको इसमें इंस्टॉल करेंगे। पहले हम इंस्टॉल करेंगे, बाद में वो पहले हम फॉन्ट डाउनलोड करेंगे और इसमें पीसार्ट के सिस्टम फाइल में इंस्टॉल करेंगे। मैं कैसे इंस्टॉल करते हैं ये सब इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो प्लीज़ तुम सब वीडियो लास्ट तक देखना। ये सब पीसार्ट के फॉन्ट है। अब हम माय फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे फॉन्ट होंगे जो हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। फिलहाल इसमें अभी एक ही फॉन्ट डाउनलोड है जिसके अलग अलग टाइप है। ऐड फॉन्ट को क्लिक करके हम फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसमें लैंग्वेज फॉन्ट बहुत कम है, तो हम नेट से गूगल से लैंग्वेज फॉन्ट डाउनलोड करके डाउनलोड करेंगे। इसलिए हमें गूगल पे सर्च करना पड़ेगा गूगल फॉन्ट डाउनलोड। गूगल सर्च बार में टाइप करना गूगल फॉन्ट हिंदी डाउनलोड, ऐसे सर्च करना, जो पहला रिजल्ट आए वो लिंक पे क्लिक करके हम ओपन करेंगे और हमें जो पसंद है वो सब फॉन्ट हम डाउनलोड करेंगे। जो टाइप फॉन्ट तुम्हें पसंद है वो डाउनलोड करें। यह सभी फॉन्ट फ्री है, आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। ओपन सोर्स फॉन्ट है, फ्री है, अपने प्रोजेक्ट में आप यूज कर सकते हैं। बस इसे तुम किसी को सेल नहीं कर सकते, अपने प्रोजेक्ट में काम के लिए डिजाइन के लिए यूज कर सकते हो। यहाँ पर लाइसेंस एग्रीमेंट दिया है, आप इसे पढ़कर भी समझ सकते हो। जो फॉन्ट तुम्हें पसंद है उसे क्लिक करके ऊपर डाउनलोड बटन पे क्लिक करके डाउनलोड करें। आप जब डाउनलोड करेंगे ये जिप फाइल में डाउनलोड होंगे, इसे बाद में अनजिप करके उसका फॉन्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हमें जो जो पसंद है सब फॉन्ट हम अभी डाउनलोड कर लेंगे।
प्लीज़ तुम ये वीडियो लास्ट तक देखना। ये सभी फॉन्ट अभी डाउनलोड होके डाउनलोड फोल्डर में जमा होंगे। उन फोल्डर को हमें अनजिप भी करना पड़ेगा। अनजिप करके सब फॉन्ट एक जगह एक फोल्डर में जमा करके कॉपी करके हमें विसार्ट के सिस्टम फाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा। इंस्टॉल कर कैसे करते हैं मैं लास्ट को बताया है, तो फिर तुम लास्ट तक वीडियो देखो तब समझ में आएगा। अभी मैं सब फोल्डर फॉन्ट्स डाउनलोड कर रहा हूँ और ये डाउनलोड फोल्डर में जमा होंगे, तो वहाँ पर वहाँ से उसको अनजिप करना पड़ेगा और एक जगह सब फॉन्ट कलेक्ट करके उसको कॉपी करके पीसार्ट के सिस्टम फाइल में कॉपी करना पड़ेगा। तो लास्ट तक देखो प्लीज़। हैं फॉन्ट अनजिप करने के बाद फोल्डर में से फॉन्ट कॉपी करके एक जगह जमा कर लेंगे। इसी तरह से हम सभी फॉन्ट कॉपी करके एक जगह पेस्ट कर लेंगे किसी फोल्डर में। जहाँ पर हमने ये फॉन्ट जमा करके रखे है सभी को हम कॉपी करके फाइल मैनेजर में जाएंगे। मोबाइल के फाइल मैनेजर में जाइए, वहाँ पर तुम्हारे को एक पीस आर्ट का फोल्डर दिखेगा। उस पीस आर्ट फोल्डर को क्लिक करने के बाद वहाँ पर हमें एक फॉन्ट नाम का फोल्डर मिलेगा। कॉपी किए हुए फॉन्ट पीस आर्ट के फोल्डर फॉन्ट में आप पेस्ट कर दीजिए। इस तरह तुम वो सिस्टम पीस आर्ट के सिस्टम फोल्डर में फॉन्ट फोल्डर में आपने सभी फॉन्ट इंस्टॉल कर दिए हैं। अभी हम पीस आर्ट में जाके देखेंगे। चलो चेक करते हैं कि पी साठ में हमारे फॉन्ट इंस्टॉल हुए कि नहीं। अब हम कौन सा तो नाम टाइप करके चेक करेंगे हमारे फॉन्ट कैसे काम कर रहे हैं। भारत ये नाम मैं यहाँ पर टाइप करूँगा। अब देख सकते हैं कि हमारे माय फॉन्ट होल्डर में सभी फॉन्ट दिख रहे हैं। लगभग 100 के ऊपर मैंने फॉन्ट डाउनलोड किए हैं।
अभी हम इसके फॉन्ट चेक करेंगे ये नाम पे। तुम्हें जो पसंद है वो स्टाइल में आप डिजाइन बना सकते हो और काम कर सकते हो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट माय चैनल।